अब भी कोई ऐसा जन है जिनके बालों में कोई शाइन नहीं बची है और बाल एकदम खराब हो गए हैं, रूखे सूखे बेजान हो गए हैं और आप मार्केट वाला प्रोडक्ट यूज़ कर करके थक चुके हैं, फिर भी आपके ना तो बालों का गिरना रुक रहा है ना ही बालों में कोई शाइन है और जगह जगह से गंजा पना रहा है, तो आज की रेमेडी को ट्राई कर लेने के बाद आपके ये सारे प्रॉब्लम जड़ से खत्म होने वाले हैं और इसको बनाने में कोई भी खर्च नहीं आने वाला है, जीरो खर्च पे हम बनाएंगे अगर आपके पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं तो। और इसको लगाने के बाद यकीन मानिए आपके बालों में वो शाइन आएगा जिससे आपको अपने खुद के बालों से प्यार हो जाएगा, इतना बढ़िया हो जाएगा आपका बाल और इसको लगाने और बनाने में कोई खर्च नहीं आने वाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप सब, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। तो आज की रेमेडी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें ना बोले और हाँ बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस शुरू करते हैं ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो आज की रेमेडी का फर्स्ट इन्ग्रीडियंट है करी पत्ता, जिसे इंग्लिश में करी लीफ भी कहते हैं। तो इसको मैंने प्लांट से तोड़कर लाया है। इसको सबसे पहले क्या करना है, वाटर से अच्छे से वॉश कर लेना है क्योंकि इसमें जो डस्ट होंगे वो निकल जाएंगे। उसके बाद आपको एक पैन लेना है और करी पत्ते को इसमें से ऐसे आराम से निकाल के अलग कर लेना है। करी पत्ता कितना ज़्यादा हेल्दी होता है बालों के लिए, कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। मैंने करी पत्ता पर बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर चेकआउट करिए, आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की समस्या है, नहीं रुक रहा है, आपने बहुत सारी रेमेडी ट्राई कर ली, बहुत कुछ कर लिया, आप डेली एक से दो करी पत्ता के को खाने का ट्राई करिए। डेली एक से दो पत्ता अगर आप डेली इसको खा पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके बालों का गिरना ऐसे ही 50% कम हो गया है, और अगर आप हेल्दी फ्रूट्स और सीजनल सब्जियाँ खा रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। इसको गैस पर रख के हम 5 से 7 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेंगे इसको, क्योंकि इसका जूसी हमें चाहिए, रस चाहिए इसका। जो करी पत्ता है और प्याज के छिलके मैंने डाले हैं, प्याज चाहें तो आप डाल सकते हैं, प्याज के छिलके में भी उतना ही गुड़ होता है जितना कि प्याज में होता है। आजकल मार्केट में प्याज वाली चीज़ें कितनी ज़्यादा अवेलेबल है, हेयर कंडीशनर, हेयर मास्क और हेयर शैम्पू, हेयर ऑयल, सब कुछ मार्केट में अनियन बेस आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है अनियन बालों के लिए। तो अनियन के छिलके को आज के बाद फेंकी नहीं, अनियन से आप सब्जी बनाइए और छिलके को इसी तरीके से यूज़ कर लीजिए। उसके बाद इसको पका के ठंडा कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए 50%, उसके बाद इसको क्या करना है, अच्छे से किसी भी चीज़ में आप स्ट्रेन कर लीजिए। मैं एक मग में स्ट्रेन कर रही हूँ, तो आप चाहे तो कॉटन कपड़े की हेल्प से या फिर छन्नी की हेल्प से इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए, क्योंकि इसका पत्ता वगैरह बाल में अगर कुछ चला गया तो ये जाके बालों में फंसेंगे और आपको कंघी करने में परेशानी होगी, तो इसीलिए स्ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ हेल्दी रहना भी बहुत ज़रूरी है। आपको हेल्दी रहने के लिए सीजनल फ्रूट सब्जियां और ज़्यादा ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। अंदर से आप हेल्दी रहोगे तो बाहर से थोड़ा भी कुछ करोगे तो बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो बस मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया। उसके बाद कोई भी आपका फेवरेट शैम्पू, जो भी आप रेगुलर बेसिस पर लगाते हैं, वो शैम्पू लीजिए और उससे क्या करना है, इसको 1 टेबल स्पून के बराबर शैम्पू कर लीजिए और इसी जेल में मिला दीजिए पानी में जो मैंने अभी स्ट्रेन किया है, बढ़िया खूबसूरत सा जो पानी तैयार हुआ। अगर आप चाहें तो शैम्पू नहीं करना है इसको, आप हेयर टोनर की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। एक स्प्रे बॉटल में डालिए और हेयर वॉश के बाद इसको अपने बाल पे अप्लाई कर लीजिए। हर 2 दिन के गैप के बाद अपने बाल पे अप्लाई कर लीजिए, उस शैम्पू डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको टोनर नहीं चाहिए तो आप ऐसे शैम्पू बना के अपने बालों को वॉश कर लीजिए, आपके बालों को उतना ही बेनिफिट मिलने वाला है। और इसको बना के आप बिल्कुल स्टोर नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही शैम्पू मिलाने के बाद बिल्कुल स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन बिना शैम्पू के अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, धूप में दिखा कर रख सकते हैं, जब भी बालों में लगाना हो 2 घंटे धूप दिखाइए फिर बालों में अप्लाई करिए, 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। उसके बाद इससे क्या करना है, अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद आपके बालों में जो शाइन आएगी, जो चमक आएगा, आपके अपने बालों से प्यार ही हो जाएगा। और इसको वीक में 2 से 3 बार अप्लाई करिए। अब तो गर्मी का सीज़न आ गया, बाल धोने में भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठंडा नहीं लगने वाला है। उसके बाद आपके बालों में जो ग्रोथ होगी, जो शाइन होगा, जो आपको प्यार ही हो जाएगा अपने बालों से, या बाल गिरने बहुत ही कम हो जाएंगे, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा प्रमोट हो जाएगा। करी पत्ता के बारे में, प्याज के बारे में मेरे बताने में मजा ही है, आप खुद जाके गूगल पर सर्च करिए और पता करिए कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कितना ज़्यादा हेल्दी होता है बालों के लिए, कितना इफेक्टिव होता है, कितने लोगों ने अपने बालों का गिरना कम कर लिया है इस रेमेडी को यूज़ करके। तो आप भी अगर ऐसे कोई जन है जिनको बहुत ज़्यादा बाल गिरने की समस्या है, उनके बालों में कोई शाइन नहीं है, हेयर ग्रोथ एकदम से रुक गया है, तो वो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। और बिलीव के साथ अगर आप कोई भी रेमेडी ट्राई करेंगे तो आपके बालों में बहुत ज़्यादा काम करेगा, बिलीव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से आप रेगुलर बेसिस पर अगर यूज़ करो और साथ ही साथ हेल्दी डाइट ले रहे हो तो आपका हेयर फॉल एकदम रुक जाएगा, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
और अगर आप ऐसे कोई जन हैं जिनको बिलीव नहीं है तो आप पैच टेस्ट ज़रूर ले लीजिए। पैच टेस्ट के बाद यूज़ करेंगे तो वो बालों पे ज़्यादा काम करेगा, बिना बिलीव के कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। और ये होम रेमेडी है तो इसको आपको बिलीव के साथ 1 से 2 महीने ट्राई करना होगा, लगाना होगा, उसके बाद आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप तुरंत चोटी पर आ जाते हो, चोटी तुरंत नहीं बढ़ती है, उसके लिए आपको पहले जड़ पे काम करना होगा। अगर रूट्स में बाल बढ़ रहे होंगे तो तुरंत छोटी मोटी नहीं हो जाएगी, जड़ से बढ़ेगा, लेंथ तक जाने में टाइम लगेगा। तो आप पहले जड़ों पर काम करिए, अगर जड़ें अच्छी रहेंगी जड़ें तो जड़ों पर ध्यान दीजिए, छोटी तो अपने आप ही मोटी हो जाएगी। साथ ही साथ खुश रहिए, हेल्दी रहिए, आधा प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो कैसी लगी कमेंट जरूर।